जय जोहार दोस्तों, पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि खरगोन में जीना इलाके में किसी अनजान हमलावर ने दोले के साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया और एक खूंखार से दिखने वाले आदमी ने उन हमलावरों को तीरों से छलनी कर दिया। कहानी अब आगे। कभी कभी वीडियोस को देखने से पहले भी लाइक कर दिया करो यार, टंटिया मामा के नाम पर लाइक्स रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। का ब्रिटिश इंडिया, सतपुड़ा का जंगल, झिरनिया के पास बिलखेड़ की गुफा, मुट्ठी भर आदिवासी और उनका एक सरदार बिजनिया भील। पूरे गिरोह ने अपने सरदार का घुटनों के बल बैठकर तथा उनके सम्मान में सर झुकाकर अभिवादन किया। सब कुछ ठीक है ना दोलिया? बिजनिया ने दोलिया से पूछा। दोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादा, अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम खतरे में हैं? आप तो सुनरेल में ठहरे हुए थे ना? टंटिया भील का दाया हाथ हूं भाई, और फिर एक सरदार को पता होना चाहिए कि उसका गिरोह किस वक्त कहां मिलेगा। सुना है कुछ फिरंगी हमारे इलाके की तरफ आ रहे हैं। बड़े दिन हो गए हथियार उठाए, मेहमान नवाजी की तैयारियां करो। सब लोग सरदार बिजनिया भील की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद दोलिया ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। इस पर बिजनिया कहते हैं, हमें उन्हें हराने के लिए एक युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हम संख्या में उनसे बहुत ही कम हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करें। छापामार युद्ध नीति? उनमें से एक साथी चौंक कर पूछता है, तो सरदार बिजनिया उनसे कहते हैं, हाँ, छापामार युद्ध नीति। इसके बारे में मैंने टंटिया मामा से सुना था। इस युद्ध नीति में छापामारी सैनिकों का सिद्धांत होता है, मारो और भाग जाओ। ये अचानक आक्रमण करते हैं और थोड़ी दूरी पर ही प्रकट हो जाते हैं। वे अपने पास बहुत ही कम सामान रखते हैं। इनके बीच कोई भी नियंत्रणकर्ता नहीं रहता। उन्हें सिर्फ बनाई गई योजना के तहत ही काम करना होता है, इसलिए इनके काम के तरीके में कोई भी अड़चन नहीं पड़ती। गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक से सेना साधारणतः अपने से बलवान सेना पर अचानक हमला करके अपने आप को बचाती है, और हर सैनिक को उनसे अपनी बुद्धि विशेषता के हिसाब से ही लड़ना होता है। अपनी सुरक्षा के लिए ये एक संतरी की व्यवस्था रखते हैं जो सूचना देता है। गोरिल्ला या छापामार नीति का प्रयोग छोटे राजा बड़े संकट के समय दुश्मन की सेना का प्रभाव घटाने के लिए करते थे। सही प्रक्रिया से इस योजना का इस्तेमाल करने के लिए इसमें दुश्मन के पीछे से हमला करना सबसे उचित होता है। छापामार युद्ध की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली, छापामार के कार्य के लिए उपयुक्त भूभाग। दूसरी, राजनीतिक अवस्था और दुश्मन के अगले मूवमेंट की जानकारी, जो कि दोलिया के मजबूत जासूस दल के मुखबिरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें पहले से ही दे दी है। और तीसरी, परिस्थितियां। इस प्रकार के कार्य के लिए सबसे अति उपयुक्त जगह पहाड़ी भूमि या ऐसी जगह रहती है जिसमें जंगल हो, अथवा ऐसा भूखंड जो जंगलों और दलदलों से भरा हो, और जैसा कि हमारे पास पहले से ही है, जो है हमारे झिरनिया के पास बिलखेड़ वाली गुफा वाले ठिकाने के नजदीक हेला पड़ावा घाट। हम इस जगह के चप्पे चप्पे को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। छापामार युद्ध के लिए छापामारों द्वारा उपयुक्त विधियों में से सर्वश्रेष्ठ है कि दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जाए और एक बहुत जटिल बागियों का जाल बनाते हुए इलाके को घेर लेना चाहिए जिसमें दुश्मन घिरा हुआ महसूस करे। युद्ध की ये योजना सुनकर सभी साथी पहले तो काफी संतुष्ट होते हैं और सरदार बिजनिया की इस योजना की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद सरदार बिजनिया कहते हैं, इस योजना के दो और प्रमुख भाग होते हैं जो कि टंटिया मामा ने मुझे आपातकाल के समय
उपयोग में लेने को कहा था, जिनमें से पहला यह है कि हमें किसी भी हालात में जिंदा रहना है, और दूसरा तरीका मैंने खुद सुनिश्चित किया है कि हम में से प्रत्येक बागी को कम से कम उनके 20 सैनिक मारने पड़ेंगे। और ये बात हर एक को अपने जहन में उतार लेनी है। सरदार, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? गिरोह के एक योद्धा ने सरदार बिजनिया से पूछा। सरदार बिजनिया अपनी योजना सुनाते हैं। देखो, ऐसा करने के लिए हमारा पहला काम यह है कि हमें उन पर दूर से ही नजर रखनी पड़ेगी और उन पर छिपके वार करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जिंदा रहने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। और दूर से वार करने के लिए हम सभी तीर कमान का उपयोग करेंगे। तभी उनमें से एक साथी बिजनिया से वापस से पूछता है, लेकिन सरदार, हमारे पास इतने तीर भी तो नहीं है, और यदि हम ऐसा करते भी हैं तो हमारे लिए दूसरी चुनौती ये होगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हेला पड़वा घाट पर इकट्ठा रखना पड़ेगा, ताकि मारने के लिए ज्यादा निशाना साधना न पड़े और हमारे प्रत्येक तीर से उनके ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारे जाए। तभी दूसरा साथी कहता है, सरदार, और हमारी दूसरी परेशानी ये भी होगी कि यदि हम छिपकर भी वार करते हैं तो हमें हमला शाम के समय में ही करना पड़ेगा, और रोशनी के अभाव में हम सही निशाने से ज्यादा सैनिकों को मार सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सरदार बिजनिया कुछ गंभीर से हो जाते हैं और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, उसके भी उपाय है मेरे पास, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य यह रहेगा कि हम उनकी सेना को एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकें। हमें कैसे भी करके उन्हें हेला पड़ावा घाट में घुसते ही घेर लेना पड़ेगा। अगर वो घाट चढ़कर बिलखेड़ की तरफ निकल गए तो उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा और वो हम पर भारी पड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद सरदार बिजनिया और उनके साथी बिलखेड़ वाली गुफा से नॉर्थ वेस्ट में हेला पड़ावा घाट की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान और हथियार रख लिए। वहीं दूसरी तरफ बिलकेड़ से एक संदेशवाहक ने टंट्या मामा के ठिकाने वाली गुफा के पास एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में कुर्री लगाई, और इस यूनिक आवाज को सुनकर गांव वाले आदिवासी लोग इसे इमरजेंसी वार्निंग समझकर अगले गांव की तरफ कुर्री लगा देते थे। ऐसा करते करते ये प्रक्रिया 100 किलोमीटर दूर बैठे टंट्या मामा तक बहुत ही कम समय में सूचना पहुंचा देती थी, और इसी के चलते हर बार टंट्या मामा अंग्रेजों के पहुंचने से पहले ही उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते थे। सरदार बिजनिया और उनके साथी जल्द ही हेला पड़ावा घाट पर पहुंच गए। जैसा बिजनिया बताते गए, सभी बागी वैसा ही कर रहे थे। सरदार बिजनिया सबसे पहले अपने सभी साथियों को 20-20 की 5 टुकड़ियों में विभक्त कर देते हैं। सरदार बिजनिया सभी को निर्देश देते हुए कह रहे थे, पहली 20 की टुकड़ी पेड़ों के ऊपर अपनी जगह बना लें, जहां से आप सभी आसानी से आने वाले सैनिकों के ऊपर निशाना साध सकें, और ध्यान रहे, निशाना एक एक करके सब लोग लगाएंगे, पहले 5 लोग, फिर 5, और इसी प्रकार सभी। उसके बाद दूसरी 20 की 2 टुकड़ियां जमीन में गड्ढे बनाकर जाल तैयार करेंगी, जैसा कि हम बड़े जानवरों के शिकार के लिए करते हैं, और साथ ही वो जंगल में जगह जगह कुछ गुप्त फंदे वो जाल भी फैला दे जाए, जिन्हें हम तीतर और अन्य पक्षियों का शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मौत के फंदे और लटक जाल भी लगा दिए जाए। आज हम इन सभी का इस्तेमाल इन फिरंगियों के साथ करने वाले हैं। इसके बाद सरदार बिजनिया बाकी बची 20 की 2 टुकड़ियों में से एक को जंगल में जमीन पर ही फैल जाने को कहते हैं, और साथ ही घाट के एक तरफ से रास्ते को बंद करने के लिए वो पेड़ों को गिरा देते हैं, जिससे कि उनकी सेना को आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाए और उन्हें वहीं रुकना पड़ जाए। और आखिर बचे 20 लोगों की टुकड़ी को सरदार बिजनिया स्वयं दोलिया के साथ आने वाली सेना को पीछे से वार करने की तैयारी करते हैं। इसके बाद सरदार बिजनिया सभी लोगों को समझाते हैं, साथियों, ये हमला इतना अचानक होना चाहिए कि सेना को भागने का मौका न मिले, और पहला इशारा मिलते ही
पेड़ों पर बैठी टुकड़ी सेना पर हमला करेंगी। इसके बाद हमला होने की स्थिति में दुश्मन की सेना इधर उधर भागने की कोशिश करेंगी तो जमीन पर रहने वाले साथी तीतर बितर हुए सैनिकों को जमीन पर ही मार गिराएंगे। और यदि वो सेना वापस चीरिया की तरफ भागने की कोशिश करती है तो सरदार और दोलिया उन्हें घाट से बाहर निकलने से रोकेंगे। परंतु सभी को ध्यान रहे, सेना का एक भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और सभी को पूरी योजना समझाने के बाद सभी साथी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और इंतजार करते हैं। आधा पहर इंतजार करने के बाद पेड़ों पर बैठे साथी को फिरंगियों की सेना आती हुई दिखती है। वो तुरंत ही अन्य साथियों को इशारा कर देता है कि इवांस और उसकी सेना आ रही है। 1500 घुड़सवार जल्दी से हिला पड़ा हुआ घाट की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते वो सभी हिला पड़ा हुआ घाट में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या उनकी ये छापामार युद्ध नीति उन्हें रोक पाएगी या फिर इस नीति की धज्जियां उड़ाते हुए मेजर इवांस पहुंच जाएगा चारवा फॉरेस्ट के भील वन में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस रोबिनहुड सीरीज में और देखिए अगला एपिसोड। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल धरती आबा को और बेल आइकन भी दबा देना। आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल मिलते हैं अगले एपिसोड में।